देवियों सज्जनों, आपका स्वागत करता हूं मैं बॉलीवुड क्रेजीज में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खबर आ रही है बेल बॉटम से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, ये अच्छी खबर आ नहीं रही, मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि इस बारे में कोई जल्दी आपको बताएगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले तारीख याद दिलाता हूँ, आज तारीख कौन सी है। आज है 19 अक्टूबर। तो 2 महीने पहले महासंग्राम हुआ था, जो पहली बॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई थी थिएटर में, वो कोई और नहीं थी, वो थी बेल बॉटम। अक्षय कुमार, वाणी कपूर, हुमा कुरैशी ने क्या समा बांधा था। कमाल का प्रमोशन हुआ था, कमाल का एक्शन हुआ था, और प्रमोशन बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ था, फिर भी फिल्म को लेकर काफी उंगलियां उठी थी। हेटर्स ने कहा कि भैया ये तो बर्बाद कर देगी फिल्म, इसका कुछ मतलब नहीं। अभी तक लोग इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानना चाहते हैं। कई लोगों ने अपने आप से खुद कबूल कर दिया, ये फ्लॉप है यार, ये बकवास फिल्म है, ये किसी भी तरह से सही नहीं है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को फ्लॉप बोला था, उन्हें मैं आज एक ऐसा सबूत देने वाला हूँ, 2 महीने होने के बाद भी आप लोग शॉक हो जाएंगे। 2 महीने यानी कि आप मान के चलिए कि 60 दिन, 60 दिन कहीं से भी हो ही गए। तो 60 दिन बाद अगर कोई फिल्म का जो शो है वो हाउसफुल चालू है, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे। ये देखिए, हावड़ा क्वेस्ट मॉल और है ना फोरम मॉल, यहाँ पे हाउसफुल फोर्स है। देखो ये ऑलमोस्ट हाउसफुल है, ऑलमोस्ट हाउसफुल, ऑलमोस्ट हाउसफुल है। तो यानी कि ये लोग आ रहे हैं, मैंने खोल के देखा, लोग आ रहे लिटरली। तो कुल मिला के जब लोग आ रहे फिल्म देख रहे, तो कहाँ से ये सब फिल्में मतलब लोग इसे फ्लॉप कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो तो मैंने कोलकाता का बताया था, ये मैं आपको अजमेर का बता रहा हूँ। यहाँ पर भी शो 12 बजे का लगा है, और यहाँ पे तो दो से दो दो शो, या मतलब एक शो, 200, 300, ऐसा पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं जहाँ पर भी ये फिल्म लगी हुई है। और इसके कलेक्शंस के बारे में कोई मुझसे अगर पूछे तो कितना हुआ होगा, तो 32 डेज का मैंने कुछ, आई थिंक 32 35 डेज कुछ बताया था, 32 करोड़ तो मैंने बताया था, इतना मुझे याद है, 32 करोड़ इस फिल्म का हो गया था। लेकिन मुझे लगता है कि 2 महीने तक आते आते 33 करोड़ इसका कलेक्शंस ने टच कर लिया होगा, इसका मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है कहने में। तो कुल मिला के बेल बॉटम फिल्म 2 महीना टिकी रही है, 60 दिन के ऊपर भी अभी भी चल रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सूर्यवंशी का भी बुकिंग बोलते शुरू होने वाला है, और इसकी भी बुकिंग ऑलरेडी चालू है। यानी कि अक्षय कुमार की 2 फिल्में लगभग लगभग बुकिंग दोनों की चालू रहेगी। आप बेल बॉटम भी देख सकते हैं और आप सूर्यवंशी भी देख सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि जो 22 तारीख से थिएटर्स खुलेंगे, क्या मुंबई में बेल बॉटम का शोज होगा। अगर ये होगा तो मैं आपको इसके बारे में भी जरूर बताऊंगा। तो कुल मिला के आप कितने खुश हैं कि बेल बॉटम फिल्म को 2 महीने हो गए, इसने लगभग 33 करोड़ के ऊपर कलेक्शंस किया, और अभी भी ऑलमोस्ट हाउसफुल का टैग इसे मिल रहा है। जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करेगा चैनल को। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।